उपपत्ति के मुख्य पहलू। ऊपर की दोनों उपपत्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इन कथनों को सिद्ध करने में कौन कौन से मुख्य पहलुओं का उपयोग हुआ है। माधवी कहती है कि उपपत्ति के तीन मुख्य पहलू दिखे। पहला, दोनों कथनों को सिद्ध करने के लिए पहले से सिद्ध प्रमेय, परिभाषा या अभिगृहितों का उपयोग किया गया है। दूसरा, उपपत्ति का प्रत्येक कथन ठीक पहले वाले कथन से तार्किक रूप से जुड़ा हुआ है। तीसरा, कथनों को लिखते समय विशेष प्रकार के प्रतीकों व चिन्हों का उपयोग किया है और बड़े वाक्यों को इनका उपयोग करके संक्षिप्त में लिखा है। क्या आप माधवी की बात से सहमत हैं? करके देखें। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। इस कथन को सिद्ध करें और उसमें उपपत्ति के तीनों मुख्य पहलू ढूंढें। सोचें एवं चर्चा करें। जिन दो कथनों को ऊपर हमने सिद्ध किया है उनकी उपपत्ति पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा करें। पहला, कौन कौन सी परिभाषा, प्रमेयों या अभिगृहितों का उपयोग किया गया है। दूसरा, उन चिन्हों, प्रतीकों की सूची बनाइए जो इन उपपत्तियों में इस्तेमाल किए गए हैं। उपपत्ति समझना व करना। आइए देखते हैं कि ऊपर लिखे तीनों पहलू किस प्रकार उपपत्ति पढ़ने, समझने और लिखने में मदद करते हैं। पहला, परिभाषाओं, पूर्वज्ञात प्रमेय, स्वयं सिद्ध का प्रयोग। यदि आपको एक कथन सिद्ध करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे शुरू करेंगे? जाहिर है इसके लिए आपको उन सभी ज्ञात जानकारियों की आवश्यकता होगी जिनके आधार पर कथन को सिद्ध किया जा सके। ये जानकारियाँ अभिगृहित, परिभाषा, पूर्व सिद्ध कथन हो सकती हैं। इसलिए किसी कथन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यह सोच लें कि क्या क्या पता है, ताकि इन जानकारियों का इस्तेमाल सही जगह पर हो सके। हमने समरूपता के अध्याय में दो त्रिभुजों में SAS और SSS समरूपता प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए AA समरूपता कसौटी का उपयोग किया है। इसी तरह कक्षा 9 में वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने हेतु परिमेय संख्या की परिभाषा का उपयोग किया गया व किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोणों का युग्म प्रमेय का उपयोग किया गया। करके देखें। अब तक की उपपत्तियों में उपयोग की गई परिभाषाएं छाटिए। दूसरा, निगमनिक तर्कण द्वारा उपपत्ति, डिडक्टिव रीजनिंग। किसी उपपत्ति में एक कथन के बाद अगला कथन किस आधार पर लिखें यह सोचना महत्वपूर्ण है। इसके लिए पहले से ज्ञात परिभाषा, अभिगृहित व पूर्व सिद्ध प्रमेय की जानकारी होना आवश्यक है। निम्नलिखित कथन का निष्कर्ष कथन लिखिए। L और M समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा की परिभाषा से हमें पता है ये समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि L और M कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, निष्कर्ष कथन। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। यदि A धन 5 बराबर B और C बराबर B है तो A धन 5 बराबर C होगा, यानी A बराबर C ऋण 5। ऊपर लिखे दोनों उदाहरणों में परिभाषा और अभिगृहित के आधार पर एक कथन से अगला कथन लिखा गया है। इसी तरह पूर्व सिद्ध कथन या प्रमेयों के आधार पर भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। त्रिभुज AOB और त्रिभुज POQ में कोण AOB बराबर कोण POQ, OA बराबर OP और OB बराबर OQ है। SAS सर्वांग समता प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज POQ के। निगमनिक तर्क हमें एक व्यापक सत्य कथन से
विशिष्ट सत्य कथन तक पहुंचने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बार यह सिद्ध कर दें कि किन्हीं दो विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या होती है, तो बिना गुणा किए ही हम विषम संख्याओं को पहचानकर गुणनफल के विषम होने को जान सकते हैं। उदाहरणार्थ, 74,28,391 गुणित 607,349 का गुणनफल भी विषम संख्या होगी, क्योंकि 74,28,391 और 607,349 दोनों संख्याएं ही विषम हैं। करके देखें। पहला, सिद्ध करें कि किन्हीं भी दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। दूसरा, दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष कथन लिखिए। कथन ए, वर्ग एक आयत है। कथन बी, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। कथन ए, जीवा ए बी वृत्त की परिधि पर कोण ए पी बी बनाती है। कथन बी, जीवा ए बी एक व्यास है। तीसरा, यदि ए बी सी डी और पी क्यू आर एस दो आयत हैं, तो इनके कोणों, भुजाओं व विकर्णों के बारे में हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम अथवा समरूप हैं? क्या काट कर व नाप कर गणितीय कथन सिद्ध कर सकते हैं? गणित सीखते समय हम कई बार माप कर या विशेष उदाहरण देकर व्यापक स्तर पर कुछ बातें मान लेते हैं। जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश है, इसे भी दिखाते समय हम माप कर अथवा कोणों को काट उन्हें एक साथ रख कर यह कहते हैं कि अंतःकोणों का योग 180 अंश है, किंतु यह इस कथन की उपपत्ति नहीं है। इस तरह दर्शाने से यह हर त्रिभुज के लिए मान्य है ऐसा हम नहीं कह सकते। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। एक प्रमेय है जो कि सभी त्रिभुजों पर लागू एक व्यापक कथन है। मान लें कि आपने किसी एक त्रिभुज के कोणों को मापा, यदि उनका योग 180 अंश हो तो किसी दूसरे त्रिभुज के लिए भी ऐसा होगा, हम यही बात नहीं कह सकते। इस प्रकार सभी संभव त्रिभुज के कोणों को मापना भी संभव नहीं है। इसके अलावा यदि योग 180 अंश से कम या ज़्यादा हो तो हम यही मानेंगे कि माप ठीक से नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि समतल पर बने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा ही, और हम इसे व्यापक रूप में सिद्ध कर सकते हैं, जिससे यह हर त्रिभुज के लिए सही होगा ही।